आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर और शिक्षा उपकर का लगातार विरोध हो रहा है। विभिन्न हिस्सों में उठी मांगों के कारण अब इन बढ़े हुए करों को वापस लेने की तैयारी है। नगर निगम रीवा के मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने आयुक्त को ज्ञापन देकर इस पर प्रस्ताव तैयार करने की मांग की है, जिस पर आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों से यह प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। आगामी मेयर इन काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। इससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। निगम के चुनाव से कुछ महीना पहले ही यह टैक्स बढ़ाए गए थे, जिसकी वजह से लोग लगातार विरोध कर रहे थे। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से यह वादा किया था कि उन्हें अवसर मिला तो बढ़े हुए टैक्स को कम कराएंगे। इसी के चलते मेयर इन काउंसिल के सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल और स्वतंत्र शर्मा ने इसका प्रयास शुरू किया है। इनके आवेदन पर निगमायुक्त ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। मेयर इन काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि कोरोना काल के बाद से लोगों की स्थितियां बदली हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। शहर के लोग चाहते हैं कि अभी यह कर वृद्धि रोकी जाए। इस कारण आयुक्त से कहा है कि टैक्स में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कराया जाए। उन्होंने जानकारी दी है कि इस कार्य को आगे बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस ने शहर के लोगों से वादा किया था कि टैक्स घटाया जाएगा, उसी कड़ी में यह कदम है। हम आपको बता दें, परिषद कार्यकाल पूरा होने के बाद कलेक्टर कुछ दिन के लिए प्रशासक बने थे। संपत्ति कर व शिक्षा उपकर वृद्धि का प्रस्ताव उनके समय ही पारित हुआ था। नगर निगम का बजट भी सार्वजनिक रूप से पेश नहीं किया गया। संक्षिप्त रूप से प्रेस नोट जारी किया गया था कि निगम का बजट जारी हो गया है, जिसमें किसी तरह के टैक्स का उल्लेख नहीं था। बाद में एक आदेश के तहत संपत्ति कर एवं शिक्षा उपकर में बढ़ोतरी कर दी थी, जिसे अब घटाने की तैयारी है। संपत्ति कर और शिक्षा कर में कमी करने के लिए क्या? विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगरीय निकाय का चुनाव न कराए जाने पर प्रशासन नियुक्त किया गया था। उस प्रशासन के द्वारा आम जनता के ऊपर इतना बोझ डाला गया कि वो जनता आम जनता आज तक अपने बोझ से उबर नहीं पा रही है। हमारे यहाँ संपत्ति कर और शिक्षा उपकर जल कर के भारी भरकम वित्त की गई है, जिसे हम लोगों ने माननीय महापौर जी को, हमारे मायसी सदस्य और समस्त पार्षदगण मिल के हम लोगों ने महापौर जी को आवेदन दिया है। उस आवेदन मांग किया गया है कि जो जल कर, संपत्ति कर, शिक्षा उपकर है, इसे कम किया जाए। चुनाव के समय में भी ये नोटिस था कि उसको कम किया जाएगा, ऐसा चुनाव के हमारे एजेंडे में, महापौर जी के एजेंडे में ये प्रस्ताव रखा गया था कि हम संपत्ति कर कम करेंगे। उसी के लिए हम लोग सब पार्षद दल, MIC सदस्य मिलकर आवेदन दिए हैं। MIC में रखेंगे, MIC के बाद परिषद में रखेंगे। चूँकि परिषद परिषद भारतीय जनता पार्टी की है, परिषद क्या निर्णय लेती है परिषद पर ही डिपेंड करेगा। कितने प्रतिशत अंतर आने की संभावना है? हम लोग पूर्व की तरह यथावत रखने की मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व की तरह यथावत था उसे यथावत किया जाए, जो 40% बढ़ोतरी की गई उसे कम किया जाए। पूर्व में खाली प्लाटों पे भी कर दिए जाते थे, क्या इसमें छूट मिलेगी? खाली प्लाटों पे भी जो कर बढ़ाया गया है उसमें भी हम लोग छूट के प्रावधान रखेंगे, उसमें भी छूट मिले।